खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। महू में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले अखिल भारतीय युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष महेश यादव के नेतृत्व में महू से सैकड़ों कार्यकर्ता मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के खिलाफ कलेक्टर इंदौर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। जिला युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष महेश यादव ने बताया कि कांग्रेस द्वारा चुनाव में किए गए वादे पूरे नहीं करने पर, जिसमें बेरोजगारी भत्ता, बच्चों को स्कॉलरशिप, लैपटॉप, स्कूली छात्राओं को स्कूटी आदि का वादा पूरा नहीं करने पर आज कलेक्टर कार्यालय पर जंगी प्रदर्शन किया। प्रदेश भाजपा के निर्देशन पर आज कलेक्टर का घेराव करने पहुंचे, उनमें प्रमुख सुभाष पाटीदार, शंकर लाल संदीप शर्मा शामिल हुए। पूर्ण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, जो माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने युवाओं के साथ जो छलावा किया है, उन्होंने कहा था कि जो बेरोजगार युवा है उसको 4,000 रूपए भत्ता दिया जाएगा। कुछ युवा इस बहकावे में भी आ गए, साथ में कॉलेज में जो छात्र और छात्राएं थी उनको माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सभी छात्र छात्राओं को मोबाइल फोन दिए जाते थे। 12वीं में अगर कोई मेघावी छात्र 85% लाता था, चाहे वो छात्र हो, छात्राएं हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, वो किसी भी समुदाय से हो, वर्ग विशेष से हो, सभी को 25,000 रूपए लैपटॉप के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी देते थे। लेकिन उसके उलट जब से कांग्रेस की सरकार आई है, उनकी करनी और कथनी में जो फर्क है उसका बेतोड़ जवाब आज पूरे मध्य प्रदेश में, उसके साथ में महू से भी गांव-गांव से आज युवा इकट्ठा होकर आज माननीय जिलाधीश महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देंगे और उनसे मांग करेंगे। अगर उन्होंने जो युवाओं के साथ छलावा किया है, कांग्रेस की सरकार आई थी, उन्होंने बहुत सारे प्रलोभन दिए थे युवाओं को, चाहे वो 4,000 रूपए हो, उन्होंने विवाह के लिए भी 51,000 की घोषणा की थी। हमारे मऊ विधानसभा में भी 700 से 800 कन्याओं का विवाह हुआ था, लेकिन उनको भी 1 रुपया किसी को नहीं दिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहूंगा कि उन्होंने जो जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करें, नहीं तो इस्तीफा दे। हर एक युवा युवा मोर्चा के साथ है और युवाओं के सम्मान में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में हमारे क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय उषा ठाकुर जी के नेतृत्व में गांव-गांव से युवा जा रहे हैं। ये तो सिर्फ एक टुकड़ी है कुदरिया मंडल की, इसके अलावा भी सिमरोल, मानपुर, महुगांव, सभी दूर से युवा पहुंच चुके हैं। हम भी आज युवा मोर्चा के साथियों के साथ इंदौर कूच करने जा रहे हैं। इंदौर हमको जाना है, परमिशन है, हम यहाँ पर कोई भी पार्टी का झंडा लेकर नहीं जाएंगे। सभी लोग 4-व्हीलर से जाएंगे और इंदौर में हमारी परमिशन है, वहाँ पर इंदौर में हम जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देंगे और युवाओं के सम्मान में जो भी हमसे बनेगा, चाहे जेल जाना पड़े या सड़क पे आना पड़े, हम जाएंगे, क्योंकि युवाओं के साथ सबसे ज्यादा छलावा इस सरकार ने किया है। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।